तो गाइज रेडमी का एक गेमिंग स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है रेडमी K40 गेमिंग एडिशन के नाम से, और ये स्मार्टफोन गाइज इंडिया में भी बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन इंडिया में गाइज ये स्मार्टफोन पोको की ब्रांडिंग के नीचे आने वाला है, रेडमी की ब्रांडिंग के नीचे नहीं आने वाला है। तो गाइज आज से करीब एक महीने पहले पोको ने एक पोस्ट करते हुए कन्फर्म किया था कि वो बहुत ही जल्द इंडिया में अपना एक गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो चाइना में जो रेडमी K40 गेमिंग एडिशन लॉन्च हुआ है उसके लुक को अगर आप देखते हैं तो पोको ने जो इमेज शेयर करके बताया था वो दोनों ही इमेज की डिज़ाइन जो है वो सेम देखने को मिलती है। इसका मतलब गाइस ये स्मार्टफोन रिब्रांड होकर इंडिया में पोको F3 GT के नाम से लॉन्च होने वाला है। और ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ भी दोस्तों निकल कर आ चुकी है। तो अब ये कन्फर्म हो चुका है कि रेडमी K40 गेमिंग एडिशन इंडिया में पोको F3 GT के नाम से लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली गाइज ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको वो सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन में ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर भी आपको वो गेमिंग ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल पॉपअप गेमिंग ट्रिगर्स वगैरह सब कुछ आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको स्पेसिफिकेशन भी स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी के बारे में हम वीडियो में गाइज आगे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहना। साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी ऐसे और वीडियोस आपके पास आ सके। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर हम इस बार स्टार्ट करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाला 5G प्रोसेसर। तो पिछली बार जो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 6.67 इंच का फुल HD+ OLED डिस्प्ले मिलता है, और साथ में आपको मिलता है 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी तगड़ा है और एक गेमिंग स्मार्टफोन के लिए आपको एक परफेक्ट डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस कैमरा सेटअप की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट साइड में मिलता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो जब भी आप गेमिंग कर रहे होते हैं उस टाइम आपको काफ़ी क्लियर साउंड दोनों ही साइड से सुनने को मिलेगा, तो ये गेमिंग करते टाइम बहुत ही यूजफुल फीचर्स दोस्तों हो सकता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो 5065 mAh की आपको बैटरी मिलती है, और साथ में आपको मिलता है 67W का फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिल रही है, और दोस्तों फास्ट चार्जिंग भी आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सभी जो स्पेसिफिकेशन है वो गाइस काफ़ी तगड़े है, और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे ही आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। और एक गेमिंग स्मार्टफोन में जो भी स्पेसिफिकेशन ज़रूरी होते हैं वो सभी स्पेक्स आपको इस स्मार्टफोन में गाइस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बात करें इस मोबाइल के प्राइस की, तो चाइना में इस मोबाइल के दोस्तों 5 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। उसमें बेस वेरिएंट है गाइस 6GB 128GB वाला, तो चाइना में उसकी प्राइस आई है दोस्तों 22-23 हज़ार। अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 22-23 हज़ार में 6GB 128GB वाले वेरियंट की प्राइस देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में गाइस ये इस प्राइस पर हमें देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा महंगा देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ पर हमें 26-27 हज़ार तक ये स्मार्टफोन गाइस इंडिया में देखने को मिल सकता है, और पोको की ब्रांडिंग के नीचे आने वाला है, तो क्या पता यहाँ पर कुछ चमत्कार भी हमें देखने को मिल सकता है। 25 हज़ार में भी ये स्मार्टफोन गाइस हमें देखने को मिल सकता है, तो वो गाइस हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो गाइस कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलते हैं पोको F3 GT यानी कि रेडमी K40 गेमिंग एडिशन के। इसके अलावा गाइस लॉन्च डेट की अगर बात करें तो अभी तक इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई भी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली है। चाइना में ये काफ़ी दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक एक भी वेबसाइट पर लिस्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही किसी वेबसाइट पर लिस्ट होता है जैसे कि BIS पर, तो उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आने वाला है। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है, और ये स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे, और क्या आप रेडमी K40 गेमिंग यानी कि पोको F3 GT के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।